अस्सलाम वालेकुम, स्टडी आईक्यू में आपको खुश आमदीद। तो आज की जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का जो टेस्ट हुए थे LDC UDC स्टैंडर्ड टाइपिस्ट और डाटा इंटरप्रेटर के, उनके रिजल्ट के मुतालिक है। तो जी उनका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो इसकी ईद के बाद ही आएगा। बताया जा रहा है कि ये 30 तक शायद ये रिजल्ट आ जाए। अगर 30 तक ये रिजल्ट ना आया तो 5वें महीने की पहले वीक में लाजमी आ जाएगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में ये लाजमी आएगा। तो जी इसकी मेरिट की बात करते हैं। जी इसका जो मेरिट है वो मैं आपको एक मिनट इसकी पोस्ट पहले चेक कराता हूँ। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट के लिए चलो ठहरे, मैं नीचे आता हूँ। LDC में अब जो पंजाब की वैकेंसी थी वो 5 थी, जिनमें जो वुमेन और मिनॉरिटीज कोटा निकाल के 3 पीछे बचती हैं। इनका जो पेपर हुआ था वो 35 MCQs हुए थे, मतलब 70 मार्क्स का इनका पेपर था। 70 नंबर का पेपर था जिनमें से 30 नंबर जो बाकी बचते हैं वो इनका होगा इंटरव्यू। इनका जो पेपर था वो इतना आसान नहीं था, मुश्किल पेपर था। मैथ के काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के इस्लामियात काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पता किए गए थे। लेकिन इसे जो एक्सपेक्टेड मेरिट सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके जो पंजाब का इसका मेरिट जो बनेगा वो 45-46 नंबर से ऊपर बनेगा। मतलब 50 से आप अपना लगा लें हिसाब, मतलब 46 से ऊपर इसका मेरिट बनेगा। हो सकता है क्या तो 50 से भी ऊपर चला जाए। जिनके नंबर 50 होंगे, 50 से ऊपर होंगे, उनको उठाया जाएगा पंजाब में से। बाकी सिंध, बलूचिस्तान और फाटा AJ के जो है के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है कि उनकी अगर 40 नंबर या इससे थोड़े से ज़्यादा है, इतने हुए मतलब पास होने चाहिए, ये ना हो कि पास ही ना हो, उनकी अगर 40 से ऊपर नंबर होंगे तो वो पास हो जाएंगे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बाकी उनका इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू फिर उनका होगा। मसला पंजाब वालों का, पंजाब में लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। बाकी सिंध, बलूचिस्तान इस तरफ से कम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो पंजाब में होता है। तो पंजाब का मेरिट थोड़ा हाई होगा। तो इसी तरह ये UDC में और बाकी स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की भी ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, इसमें भी यही हिसाब होगा कि पंजाब की जो वैकेंसी थी उनमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, उनका मेरिट ज़्यादा बनेगा और बाकी जो प्रोविंस है उनका कम होगा। बाकी प्रोविंस के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके अगर कम भी नंबर आते हैं तब भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप रिजल्ट्स के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और मजीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूद हो सकें। अगर आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट MCQs हासिल करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप उसके मतलब पास पेपर्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस डिपार्टमेंट पर उस पर पास पेपर्स आपको मुहैया करूँगा, उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।